हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कि जी, हमें क्या करना चाहिए और पुलिस और वालिदैन की जिम्मेदारी, लेकिन एक देखें, एक माशरा कहाँ चला गया निजामी साहब, एक जो माशरे की बात करते हैं, और आपने तो वो दौर भी देखा है जब, और हमने भी देखा हुआ है वो दौर, कि लोग बच्चे आराम से खानदान, यानी ये भी होता था कि गांव में लोग घरों के दरवाजे खोल के, और आज भी दरवाजे खोल के आराम से लोग सोते थे, शहरों में भी सोते थे, सुकून था। अब आप देखें जरा, बेचैनी देखें कि लोगों ने घरों में गार्ड्स रखे हुए अपने, और फिर भी लोग गैर महफूज हैं, और गार्ड्स ही गोली मार के चले जाते हैं या लूट के चले जाते हैं। तो एक पूरे माशरे को आप देखें कितना हिजान है माशरे में, और इसमें पुलिस जो भी करेगी, ये डीएनए टेस्ट होगा, लेकिन आप देखें कि माशरा कहां चला गया। और ये इसमें ये जो बात भी हो रही थी कि जी सरेआम फांसी लगनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो तो सारा एक एक आदमी को आप लगा दें, लेकिन जिस माशरे को मैं रो रहा हूं उस माशरे में दार चली गई है, बेहिसी आप देखें। और ये जो यानी मेरी जो इतलात हैं वो ये है कि काफी दिनों से ये शख्स जो है ये अंडर वॉच था या कस्टडी में था, या इसको जैसे अक्सर होता है कि आप बिल्कुल खत्म हो जाए किसी किस्म का शुबा, तो उस आदमी को पकड़ते हैं और उस पर छोड़ देते हैं उसके बाद, कि ये किसको फोन करता है, किससे मिलता है, किससे राबते करता है। तो मेरी ये इतला है कि 10 तारीख को जब इसको पकड़ा गया था ये, और उसके बाद इसका डीएनए वगैरह हुआ, और ये